हेलो दोस्तों, एसएससी स्टेनो 2023 की आंसर की रिलीज़ कर दी आयोग ने और आप सब लोगों ने अपने अपने नंबर मिला लिए होंगे। आज हम लोग प्री के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और जो कट ऑफ है वो बेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। ये जो कट ऑफ बनाने से पहले हमने 2020 का और 2022 का पूरा डाटा अच्छे से खंगाल लिया था और उसमें कितने बच्चे पेपर देने के लिए गए थे वो सारी चीज़ें हमने नोट करके तब ये बनाए। देखिए अब ऐसा है, सारी चीज़ें तो हम बोर्ड में लिख नहीं पाएंगे, लेकिन हमने जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने सारी चीज़ें एनालिसिस कर लिया है और उसके बाद हमने आप लोगों को ये कट ऑफ बनाई है। और हमने ये भी पता किया है, जो बच्चे हैं वो बता रहे थे कि जो इंग्लिश का पोर्शन है वो मॉडरेट लेवल का था। देखिए एकदम ईजी भी नहीं था और एकदम हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। और जो जीएस का पोर्शन था वो काफ़ी कठिन माना गया है, ज़्यादा लड़कों के उसी में नंबर कम हुए हैं। बहुत से लड़के कह रहे थे सर हम 30 क्वेश्चन करके आए हैं, 32 क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन उनके आखिरी में आंसर की आने के बाद नंबर बहुत कम हो गए हैं। रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन रहा है जिसमें सभी बच्चों के नंबर अच्छे रहे हैं, सब ज़्यादातर 45 के आसपास नंबर लाए हैं। एवरेज लड़का भी है तो भी 45 प्लस लाया है और थोड़े बहुत नंबर कुछ लोग 42-43 बता रहे हैं, कुछ 47-48 भी बता रहे हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रख करके हमने ये कट ऑफ बनाई है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी कितनी जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो डाटा हमने लिखा हुआ है 2022 का और 2020 का है, तो उसके बारे में पहले हम आपको बता दें। देखिए टोटल जो पोस्टें थी वो 3,960 पोस्टें थी और ग्रेड सी की जो पोस्ट थी वो 389 पोस्ट थी। तो पहले जो ग्रेड सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर ग्रेड डी के बारे में बात करें। जो ग्रेड सी थी उसमें प्री की जो कट ऑफ थी वो यूआर की मतलब जनरल की जो गई थी वो 130.70 गई थी और ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 129.5 गई थी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 130.70 और एससी की कट ऑफ गई थी 117.61 और एसटी की कट ऑफ गई थी 105.95। ये जो पोस्ट थी ये ग्रेड सी वालों के लिए गई थी जब आप लोगों के जो पद थे ग्रेड सी के 389। अब बात कर लेते हैं ग्रेड डी की। तो ग्रेड डी में देखेंगे कि 3571 थे पद, तो यूआर की जो मेरिट गई थी ग्रेड डी वालों के लिए, ग्रेड डी के लिए 108.6 गई थी, ओबीसी की गई थी 96.4, ईडब्ल्यूएस की गई थी 90.64, एससी की गई थी 76.64 और एसटी की गई थी 63.40। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप लोगों की 2022 में गई थी। अब हम लोग बात करते हैं 2020 की। जो 2020 की जो कट ऑफ थी उसमें सी की जो पोस्टें थी 80 और 85 के आसपास थी। ठीक है, तो यूआर की जब गई थी उसमें गई थी, ग्रेड डी वालों के लिए बात करें ग्रेड डी की, यूआर की गई थी 131.2, ओबीसी की गई थी 126.7, ईडब्ल्यूएस की गई थी 83.5 और एससी की गई थी 103.8 और एसटी की गई थी 84.6 और वीएच वालों के लिए गई थी 51। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेड सी की। तो ग्रेड सी में गई थी 146.7, ओबीसी की गई थी 142.3, ईडब्ल्यूएस की गई थी 138 और एससी की गई थी 132, एसटी की गई थी 117 और वीएच वालों की गई थी 55। ये जो हमने लिखा हुआ है ना इसमें इतने लड़के बुलाए गए थे, जैसे बीएच में बुलाए थे 151, एसटी में बुलाए थे 209, एससी में बुलाए थे 515, ईडब्ल्यूएस में 347, ओबीसी में 1095 और यूआर में बुलाए गए थे 1210। तो ये रहा था डाटा 2020 का और 22 का। अब हम लोग बात करते हैं 2023 की। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता हो जाना चाहिए जो 2023 में जो सी की पोस्टें हैं, एक तो 93 है, काफ़ी कम पोस्ट है, तो जाहिर है कि कट ऑफ तो बढ़ ली है और डी की जो पोस्ट है वो 1114 पोस्ट हैं, तो कट ऑफ तो इसकी भी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि पोस्टें इतनी ज़्यादा तो हैं नहीं लेकिन इतनी कम भी नहीं है। देखिए ग्रेड सी की जो कट ऑफ हमने रखी है जनरल वालों के लिए रखी है 142। ठीक है, और ओबीसी के लिए रखी है 135, ईडब्ल्यूएस के लिए रखी है हमने 130 और एससी के लिए रखी है हमने 127 और एसटी की रखी है हमने 106। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग +2 और -2 कर सकते हैं। ठीक है,
यूआर की 142 है, ओबीसी 135 है, ईडब्ल्यूएससी 130 है, एससी की 127 है और एसटी की 106 है। तो ये रही है ग्रेड सी की। अब बात करते हैं ग्रेड डी की। देखिए जो ग्रेड डी की है उसकी कटाव तो वैसे भी कम जाती है, लेकिन इस बार इतनी भी कम नहीं जाएगी। तो जनरल वालों के लिए रखी है 126 रखी है, और ओबीसी के लिए रखी है 121, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रखी है 115, और एसटी के लिए रखी है हमने 104, और एसटी के लिए जो थी 98 वही है। ठीक है, अब इसमें भी आप लोग +3 और -3 ही कर सकते हैं, लेकिन जो हमने ये कटाव बनाई है आप लोगों को पूरा सबसे पता करके, बच्चों से पता करके, शिफ्ट कौन सी कठिन थी उन सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। और बाकी इसके अलावा हो सकता है कुछ लड़के हमसे असंतुष्ट होंगे कि सर आपने ये कट ऑफ कैसे बनाई या कौन सा, तो वो बता सकता है कि सर हमारे हिसाब से इतनी कट ऑफ रहेगी और आपके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, या हमारे हिसाब से इतनी कम है, या कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो जिनके नंबर इसी के आसपास होंगे तो हमसे पूछ सकते हैं कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। तो हम जिनका जिनका जो जेन्यून सवाल होगा उन सबका जवाब देंगे। बाकी सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।